मध्य प्रदेश में सियासी खेल जारी है। ज्योति इरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। सिंधिया के कांग्रेस इस्तीफे के बाद साफ हो गया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थामेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंगलवार शाम बीजेपी में शामिल होने की हलचल के बीच खबर आई कि अब बुधवार को बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि मंगलवार देर शाम यह खबर आई भी थी कि सिंधिया 12 से 13 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है और वहीं आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर किसके साथ गद्दारी की, क्या बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इनका सवाल जानने के लिए आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि सिंधिया बुधवार दोपहर 12 बजे दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सिंधिया दिल्ली से ग्वालियर जाएंगे, इसके बाद 12 से 13 मार्च को भोपाल पहुंचेंगे। आपको बताते चलें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो मध्य प्रदेश में हरकंप मच गया। सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफे दे दिए, जिसे कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई। सिंधिया के बगावती तेवर के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने की कगार पर है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंधिया पर लोगों और विचारधारा के साथ विश्वासघात के आरोप लगाया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट के समय भाजपा से हाथ मिला लिया, खासकर ऐसे समय में जब भाजपा अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सामाजिक ताने बाने और न्यायपालिका तक को ध्वस्त कर रही है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें, अशोक गहलोत ने ये टिप्पणियां तब की जब सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इससे पहले सिंधिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में सिंधिया ने लिखा कि वह कांग्रेस के साथ रहकर जनसेवा नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।